हमने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि इस तरह का अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आप ब्लाउज को किस तरह निकाल सकते हैं और किस तरह इसकी सिलाई कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। ये इसमें भी हम लाइनिंग वाला ब्लाउज तैयार कर रहे हैं। ये हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये ब्लाउज कुछ इस तरह है। इसमें फ्रंट, बैक और स्लीव्स सब प्रॉपर हमारा ब्रोकेट वाला है। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे और किस तरह सिलेंगे वो बताएंगे। तो उसके लिए पहले हमने अस्तर पर निशान लगा लिए हैं। ये हमारा बैक पीस है और ये हमारा फ्रंट पीस है। यहाँ पर हमने पहले हम इसका मेज़रमेंट बता देते हैं। जो हमारे ब्लाउज का मेज़रमेंट है वो है चेस्ट 38, वेस्ट 32 इंच, लेंथ 15 इंच, शोल्डर 12 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं। यहाँ पर हमने ये हाफ इंच ऊपर रखा है, हाफ नीचे रखा है, बीच में हमने ये 15 इंच रखा है। यहाँ पर जो ब्रेस्ट है यानी कि चेस्ट है उसका फोर्थ भाग लिया है। यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग लिया है। फोर्थ भाग हमारा है 8.5 इंच। तो 8.5 तो हमारा यहाँ पर आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर जो प्लेट है यहाँ पर 1.5 इंच रखा है, तो 1.5 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा रख लिया है और फिर ये सिलाई के लिए रखा है। तो यानी कि टोटल जो हमने रखा है 11.5 इंच रखा है नीचे की साइड। ये फ्रंट है हमारा, इसमें हमने चेस्ट का फोर्थ भाग, वेस्ट का फोर्थ भाग, यहाँ पर शोल्डर का हाफ और यहाँ पर शोल्डर का हाफ और हाफ इंच प्लस। यहाँ पर हम फ्रंट में हल्की सी शेप करेंगे और जो हमने यहाँ पर डार्ट लगाएंगे वो कुछ इस तरह होगी कि जैसे ये हमारी डार्ट है, ये थोड़ी हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली है जिससे हमारी फिटिंग फ्रंट की अच्छी आए। तो जैसे हमारी ये टोटल 2.5 इंच की प्लेट है, तो ये हमारा 3 इंच हुआ यहाँ पर, फिर 3 और फिर जैसे टोटल हमारा 8.5 आएगा, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हाफ यानी कि 5.5 इंच हमने यहाँ ले लिया है फिटिंग का। इसको छोड़कर हमने ये दोनों साइड का 8.5 इंच रखा है और ये हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो हमने प्लेट ली है ऊपर से 10.5 इंच पड़ ली है, फिर हमने ये लाइन रखी है और यहाँ पर ये सेंटर है, 1.5 इंच का यहाँ पर गैप दिया है, एक प्लेट यहाँ पर और एक ये। फिर ऊपर की साइड से हमने यहाँ से 2 इंच रखा है और 3.5 इंच की प्लेट रखी है। और जो ये सेंटर वाली प्लेट है इसको हमने 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया है, यानी कि ये ऊपर आएंगी 1 सेंटीमीटर और ये नीचे जाएगी। इसकी कटिंग हम पहले इसको फैब्रिक पर सेट करेंगे, क्योंकि फैब्रिक पे हमने देखा है पूरा ब्रोकेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। पहले हम इसे आयरन से इसका सेंटर तैयार करेंगे, क्योंकि ऐसे हमको पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे सेट करें।
तरह हमारी ये प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। ये हमने 22 ग्रेन की पट्टी कट की है नेक के लिए, और ये एक जो पट्टी कट की है नीचे फोल्ड करने के लिए। ये हुक और आई की पट्टी है हमारी, ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है, और ये दोनों स्लीव्स हैं। आपने देखा हमने ये ब्लाउज किस तरह निकाला है, क्योंकि इसमें टोटल डिजाइनिंग थी तो इसको हमने अलग अलग पीस करके निकाला है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रंट का पोर्शन और बैक पीस तैयार करेंगे साथ साथ दोनों। इस तरह हमने फ्रंट का एक पीस तैयार कर लिया है। पहले हमने यहाँ पर जो प्लेट्स है यहाँ पर सीधी सिलाई लगाई, जिससे हमारे दोनों फैब्रिक ज्वाइंट हो जाए, और फिर इसके बाद हमने ये प्लेट्स तैयार कर ली हैं। और जो ये वाली प्लेट्स है, जो हमारी चौड़ी वाली प्लेट्स थी, इसको इस तरह लिया। पहले हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगाई है और फिर यहाँ पर हल्की सी गोलाई की है, इससे जो हमारी ऊपर की शेप है वो अच्छी आएगी। अब हम इसी तरह अपना दूसरा वाला पीस तैयार करेंगे, और बैक में भी हम दो जो प्लेट्स हैं हमारी उसमें पहले सिलाई लगाएंगे, फिर अपनी प्लेट्स तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे पीस तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये स्लीव्स लगाई फिटिंग, और नीचे की साइड ये पट्टी लगाई, और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। और इस तरह हमारा ये ब्लाउज तैयार हो गया है। बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है ब्लाउज। हमने आपको ये बहुत ही इजी मेथड से बनाना सिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।